हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एटवुड मशीन के ऊपर लैग्रांजियन इक्वेशन का एप्लीकेशन देखा था। इस वीडियो में हम सिंपल पेंडुलम के सिस्टम के ऊपर लैग्रांजियन इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और एक इक्वेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे, और ये इक्वेशन हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स के न्यूटनियन अप्रोच के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन हम लेकर आते थे क्लास 11th में, उसी से मैच करेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि सिंपल पेंडुलम को हम लैग्रांजियन अप्रोच से ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम का सिस्टम है जो ऊपर एक रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है। इसका जो बॉब है वो एल लेंथ की इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से लटका हुआ है। अब एटवुड मशीन के केस में हमने पुली को ओरिजिन पे कंसीडर किया था, लेकिन सिंपल पेंडुलम के केस में जो बॉब का ये पॉइंट है, यही आपका ओरिजिन कंसीडर होगा। तो यहां से जब आप इधर को मूव करेंगे या इधर को मूव करेंगे, तो जो भी हाइट लेंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे, क्योंकि आप ओरिजिन से ऊपर को जा रहे हैं। यहां पर हमें बॉब की इस बी पोजीशन को एज अ ओरिजिन कंसीडर करना है, और इसको हमने ऊपर रिजिड सपोर्ट ओ से हैंग किया है। अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट टाइम पर यह बॉब मोशन में आता है और एस आर्क लेंथ कवर करते हुए सी पर पहुंच जाता है, बी से सी पर पहुंच जाता है, और हाइट जो आपका ये गेन करता है वो एच हाइट गेन करता है ए बी। टोटल लेंथ कितनी है डोरी की? एल। और ये हाइट कितनी ले रहा है? ए बी। तो हम इस ए बी को लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि एल माइनस ये कितनी हो जाएगी? अगर इसको हम 90 कंसीडर करें तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा। तो आपका इतनी लेंथ कितनी आ जाएगी, यानी ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओ बी तो एल हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा? एल कॉस थीटा। तो एच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? एल माइनस एल कॉस थीटा। तो ये पूरा इस सिंपल पेंडुलम के बारे में हो गया। अब हमको इसके ऊपर लैग्रांजियन इक्वेशन अप्लाई करनी है। लैग्रांजियन इक्वेशन होती क्या है? लैग्रांजियन इक्वेशन होती है डी वाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट जीरो। तो सबसे पहले हमें एल पता लगाना पड़ेगा। एल क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले पता लगाते हैं, टी इज इक्वल टू हाफ एम मास। बॉब का मास कितना हो गया? मास ऑफ द बॉब इज स्मॉल एम। तो हमने हाफ एम वेलोसिटी स्क्वायर, तो वी का स्क्वायर चाहिए। अब ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? एस, एस आर्क लेंथ कवर कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं इसकी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डी एस ओवर डी टी। एस क्या हो गई? ये आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू कितना होता है? एल थीटा। क्लास 10th का बहुत फेमस फॉर्मूला है, आर्क लेंथ और एंगल में रिलेशन होता है, एस इज इक्वल टू एल थीटा। हम यहां पर पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी बाई। अब एस की जगह अगर हम एल थीटा रखेंगे तो एल तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा, जिसको हम थीटा डॉट लिख सकते हैं। तो हो जाएगा एल थीटा डॉट। तो ये वेलोसिटी हो गई। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? एम वी स्क्वायर से हम जानते हैं एल थीटा डॉट का स्क्वायर। तो हम इसकी जगह पर अगर पुट कर दें तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ये हमारी हो गई काइनेटिक एनर्जी, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए, यहां से यहां तक ये कवर कर रहा हाइट एच, तो कितनी हो जाएगी? एम जी एच। एटवुड मशीन के केस में माइनस एम जी एच लिया था क्योंकि ओरिजिन को नीचे कंसीडर कर रहे हैं, तो एम जी एच को प्लस में लेंगे, हाइट ऊपर की हो जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन एम जी एच, और जो एच की वैल्यू हमने निकाल रखी एल एल माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर लिख सकते हैं एम जी एल कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो टी की वैल्यू हमने निकाली अभी पहले एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और वी की वैल्यू इतनी आ गई। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टी माइनस वी यानी कि एल पता लग जाएगा, हो जाएगा आपका हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये हो गया आपका लैग्रांजियन एल की वैल्यू। तो लैग्रांजियन इक्वेशन में पुट करने से पहले हम इस एल से
डेल ओवर डेल थीटा डॉट निकाल लेते हैं, डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट। तो इस पूरी इक्वेशन को यानी कि इतने टर्म को थीटा डॉट के के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो लास्ट वाले टर्म में थीटा डॉट है नहीं, तो इसका कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन से, पल से इस वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसमें भी हाफ कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, एल स्क्वायर कांस्टेंट है, बस थीटा डॉट है, तो उसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एम एल स्क्वायर, थीटा डॉट का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 थीटा डॉट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम एम एल स्क्वायर थीटा डॉट लिख सकते हैं इसकी जगह एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। अब हम गेन करने की कोशिश करेंगे डेल एल ओवर डेल थीटा, फर्स्ट वाले टर्म में कहीं थीटा है नहीं, तो ये टर्म कितना हो जाएगा 0, लास्ट वाले टर्म का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो माइनस एम जी एल ये कांस्टेंट है, माइनस एम जी एल कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन थीटा आता है, और माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एम जी एल साइन थीटा, तो ये हो गया एम जी एल साइन थीटा, लेकिन किसका आ रहा है नेगेटिव का। तो कुल मिला के बात हमने लैग्रांजियन निकाल लिया, लैग्रांजियन का थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल लिया और लैग्रांजियन का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल लिया, तो अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स थी वो निकाल लिया, हम यहां पर इसे पुट कर देंगे लैग्रांजियन इक्वेशन में। तो फ्रेंड्स ये आपका लैग्रांजियन इक्वेशन है, इसके लिए हमने जितनी भी जरूरत की चीजें थी वो लिखी है, डेल एल बाई डेल थीटा डॉट हमने निकाल लिया था, डेल एल बाई डेल थीटा भी निकाल लिया था, वैल्यूज को पुट करते हैं, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल थीटा डॉट हमने निकाला था एम एल स्क्वायर, और यहां पर आया था थीटा डबल डॉट और थीटा डॉट, और यहां आया था माइनस डेल एल बाई डेल थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस एम जी एल साइन थीटा, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो यहां से अगर हम डी बाई डी टी करेंगे तो थीटा डॉट आपका टी के रिस्पेक्ट में थीटा डबल डॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब यहां जो कॉमन चीज है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो यहां पर आपका बचेगा देखिए m कॉमन है, l इस पूरी इक्वेशन को अगर हम m और l से डिवाइड कर दें तो इधर बचेगा l थीटा डॉट डबल डॉट प्लस ये हो जाएगा g साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें तो देखिए अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ये वही इक्वेशन है जो हम क्लास 11th में या बीएससी की क्लासेस में आपका एक सिंपल पेंडुलम के लिए डिराइव करते हैं, ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, काफी फेमस इक्वेशन है, इसको हम नॉर्मली न्यूटनियन अप्रोच से डिराइव करते थे लेकिन आज हमने इसे लैग्रांजियन से डिराइव किया, तो ये लैग्रांजियन से भी उतना ही आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे किसी बीड का जो कि एक स्ट्रिंग पर स्लाइड कर रहा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।